है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। एंड ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। वो 102 फीवर है, उसके बाद भी हम लोगों को ये बर्थडे बैश के लिए लेके जा रहे हैं। और ये रही मेरी मोटी। हाय। इसी के फियांसे है। आगे सीट पे मैं बैठी हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी थी। अबे साले। अभी हम लोग निकल गए और पहाड़गंज जा रहे हैं दूसरी दीदी और जीजू को पिक करने। वैसे कहाँ जाने का प्लान है? सीपी में कहाँ जा रहे हैं? हाँ, सारे कैफे बंद होंगे वहाँ। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, मेरे को नहीं लग रहा वर्थ इट है जाना। ओके, देखो एक्साइटमेंट हो रही है। ये आपका गिफ्ट खोल। रहा नहीं जा रहा कि तूने कभी मुझसे भी ज्यादा अच्छा गिफ्ट ना दिया। ये क्या है? लाओ मुझे दो, अब मैं जीजू को दिखाई दूँ क्या है भाई। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट जीजू के लिए। थैंक यू सो मच। मैं भी ब्रांड यूज करता हूँ। हाँ, पर ये अच्छा वाला परफ्यूम है। ये आप मेरे लिए। ये मत देना, इसे सिंगल है भाई। मेरे मैं यूज करूंगी, मेरे को नहीं। सिंगल है भाई वो, प्लीज दिखाना। ये वाला कौन सा है? सर्दी ना लग जाए। नहीं लग रही मेरी। वाओ, बहुत सी फ्रेग्रेंसेस की। ओह वाओ, ये कब दी तूने? ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। अरे वाह, दिखाओ हमें, दिखाओ। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे दो बर्थडे गिफ्ट क्यों? एक सासू माँ ने और एक माँ मैंने। ये मुझसे कुछ ज्यादा स्टिक नहीं हो रही आज। कर रही है भाई वो, इतनी स्टिक है। अरे आधा घंटा लगता है दिखाना। तो आप इसलिए लेट आए हो ना? नहीं, देखते लो, गाड़ी आने में टाइम लगा बस, गाड़ी जैसे। अच्छा सच बताओ जीजू, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मोटी भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ। झूठ बोल रहा है। ये ब्लॉग के चक्कर में बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो। दूसरा सुनना तो सुना देता हूँ। सच बताओ, सच में अच्छी लग रही है बेटा। जीजू एक बार गाड़ी तो चलान दो पहले। अरे बोल दो ना। अरे गाड़ी चलान दो प्लीज। बोल दो ना कि डार्लिंग आई लव यू। बोल दो ना डार्लिंग आई लव यू। ओह माय गॉड, वाओ, मोटी बुलवा लिया मैंने। दे चने अंबरे जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया। तो सच्ची समा भी दस। वाह, रिंगटोन तो सुनी है ना जीजू की। अब ये नहीं उठाएंगे हमारा कॉल। हाँ जी, उतर रहे हैं। उतर, हम तो पहुँचे हैं, बाहर खड़े हैं। फोन करना भूल गए आपको। तो मेरी गलती, आपकी गलती। आ जाओ यार। ठीक है, मेरी गलती। हाँ जो। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। तो ये मैनुअल नहीं चलती? मैनुअल है। हाँ। ये दो अलग अलग क्यों बने होते हैं? ये 4x4 चलाने के लिए। 4x4 में क्या होता है? 4 व्हील ड्राइव। व्हील पे ही होती है ना, 4 ही व्हील है ना हमारे पास। 4 एक्चुअली जो नॉर्मल कार होती है वो 2 व्हील ड्राइव होता है। तो 2 व्हील कैसे? 4 व्हील होते हैं गाड़ी में। जैसे 2 व्हील चलते हैं सिर्फ, 2 बंदी रहते हैं। हाँ, 2 नॉर्मल चलते हैं। अच्छा। लेकिन थार के अंदर 4x4 के अंदर क्या होता है कि चारों व्हील से ड्राइव कर सकते हैं। कभी देखा होगा गाड़ी अगर फंस जाती है कहीं। हाँ। और आगे के टायर नहीं घूमते। ओके। इसमें अगर थार के अंदर 4x4 करते ही चारों टायर इकट्ठे चल जाते हैं। ओ, तो वैसे किसमें चलाना ज्यादा सही रहता है? ज़ूम करियो, क्या लगा है? हाँ, मैं वही देख रही हूँ। कुछ मेकअप वेकअप किया है ये मेकअप नहीं किया। इसमें चलाना बेटर रहता है। ये 2x2 में चलाना बेटर रहेगा। अब जैसे अब ये 4x4 में हो गई। हाँ हाँ, ये 4 व्हील ड्राइव है पूरी। ओके, लिखा गया 4x4 4 व्हील ड्राइव हो गया। जैसे हम 4 व्हील ड्राइव पे करेंगे। हाँ, तो देखना थोड़ी देर में अभी नोटिफिकेशन दे देगा। चारों व्हील अभी इकट्ठे 4 व्हील ड्राइव। हाँ ओके ओके। लेकिन इससे 4 व्हील ड्राइव करने से एवरेज बिल्कुल कम हो जाती है। हाँ, और कम हो जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है इस थार की? सबसे ज्यादा ऑफरोडिंग के लिए। ऑफरोडिंग के लिए और बदमाशी के लिए सबसे बेहतर थार है। अभी तक सच बताओ कितनी बदमाशियां की है, कितनी लड़कियां पटाई है? सबसे पहले एक चीज बताओ, कितनी गर्लफ्रेंड थी मेरी बहन से पहले? मेरी गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं थी। इस बात बोलो, एक्स तो सबकी होती है। ऐसा कोई पता नहीं होता जिसको हवा ना लगे। अच्छा, हर जगह तू चुप रह। ये किसके मुँह में जाएगी? मदिरा का ही सेवन करते हैं। है क्या? ब्लैक पेन है। ब्लैक पहने में यार। नहीं, वाइट। बच्चे अलाउ नहीं है। उठा ले रे बाबा। हाय एवरीवन, तो अब हम लोकल से बाहर आ गए। रात के 1:30 बजे और हम कनॉट प्लेस की सड़कों पे ऐसे सुनसान है ये 1:30 बजे। और ये इधर की साइड पे दिल्ली हेडक्वार्टर है। और 1:30 बजे हमने गाड़ी इसलिए रोकी है क्योंकि यहाँ पे हमने करना है फोटोशूट। ये हमारी ग्रुप की वर्स्ट फोटोग्राफर है। ये रिपोर्टर भी प्लीज। मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ यार। तो कोई नहीं, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। बोलेंगे, देखो बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। उनको टेंशन क्यों? वो टेंशन हाँ फैमिली के साथ है, क्या दिक्कत है? गाड़ी पता नहीं पुलिस आ गई तो उसमें डरने वाली क्या बात है। बहन डर गई। कैसी लग रही हो? परी जैसी। वाह, अम्मी नानी कैसी लग रही है? झूठ नहीं बोला। चलती बिल्ली जैसी। हाय एवरीवन, सो गुड नाइट। रात के 2 बज गए हैं और हम लोग फ्री हो गए हैं। अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम लोग घर जा रहे हैं अब। बहुत टाइम हो गया यार, मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी। आप कितने बजे उठे थे सुबह? मैं सुबह 6 बजे उठा था। 6 बजे। तुम कितने बजे उठी थी? सेम 6 o'clock। सो 2 फीवर था इनको, उसके बाद भी एसी में गीले कपड़ों में भीगते हुए आए क्योंकि बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही था, राइट? एक वाइफ और एक साली, इन दोनों के साथ अगर ना करता तो इन्होंने तो मेरी सच बोल रहे, वैसे हो ही जानी थी आज तो अगर नहीं करते तो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेलिब्रेशन। मतलब हस्बैंड इसी जगह आके झुकना पड़ता है, वाइफ के आगे और साली के आगे। समझ रहे हो? बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। Quiero más de ti.